हमेशा साथी। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। माधुरी जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो माधुरी जी, आपका वो जो हमारी फिल्मों में माधुरी जी, उनसे कोई रिश्ता है आपका? ऐसा तो नहीं। ओके माधुरी जी, आप हैं पूसद से? पूसद। ये है कहाँ महाराष्ट्र में? सर ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से आता है। यहाँ की खासियत ये है कि जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है श्री वसंतराव नाईक जी और सुधाकर राव नाईक जी, वो पूसद के रहवासी, वहीं से थे। तो काफी एक राजनीतिक एक स्थान है। हाँ सर। तो हमने पढ़ा कि आप एक पोस्टल असिस्टेंट हैं। हाँ सर। ये क्या काम होता है आपका? सर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्लरिकल की पोस्ट है, जहाँ पे आपको काउंटर पे बैठना है, पब्लिक से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। जैसे स्पीड पोस्ट बुक करना, रजिस्टर बुक करना, मनी ऑर्डर बुक करना, इलेक्ट्रिक बिल बुक करना, यहाँ तक कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने फाइनेंशियल भी बहुत IPPP करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नई स्कीम शुरू की है, जिसके जरिए फाइनेंशियली जो लोग जैसे पेटीएम जो काम करता है वो सब काम IPPP कर सकती है। और सबसे बड़ी खासियत डिपार्टमेंट की ये है सर कि इसकी जो ब्रांचेस है ये छोटे से छोटे कस्बे में भी है। तो जो नेटवर्क है वो इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। तो यही मैं आपसे पूछने जा रहा था, आजकल तो लोग चिट्ठी वगैरह लिखते नहीं है, इंटरनेट पे अपना। सर ये गलतफहमी है सर। हाँ? ये गलतफहमी है। गलतफहमी है? हाँ सर। अच्छा, आजकल भी लोग चिट्ठियां भेजते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं है, मतलब आज की जो न्यू जनरेशन है उनको, वो कभी पोस्ट ऑफिस में कदम ही नहीं रखते है सर। ओके, तो माधुरी जी आप अपने साथ अपने परिवार को ला, अपने पिताजी को ला है, नमस्कार करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी माताजी भी आए हुए हैं यहाँ पर, जितने भी परिवार के सज्जन हैं उन सबको नमस्कार और आपका स्वागत। बहुत बड़ा परिवार है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है माधुरी जी, 1000 रुपए इसका मूल, और प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से क्या एक पारंपरिक समूह खेल है? Which of these is a traditional group game? A. Musical chairs. B. Breaking tables. C. Opening doors. D. Moving beds. Musical chairs, breaking tables, opening doors. Sir, please lock A. Musical chairs. Musical chairs. Yes. A. पे ताला लगाइए. Musical chairs. बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है माधुरी जी. All right. अगला प्रश्न 14 प्रश्न है, 5000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने माधुरी जी ये रहा, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र कौन थे? इन द महाभारत हु वॉज द सन ऑफ गुरु द्रोणाचार्य? ए कृपाचार्य, बी चेकितान, सी अश्वत्थामा, डी प्रद्युम्न। सर प्लीज लॉक सी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा शोर है। हाँ, ताला लगा दिया जाए। यस अश्वत्थामा, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और ये भी सही जवाब है आपका। 5000 रुपए जीत ले आपने माधुरी जी। ओके वेल प्लेड माधुरी जी। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40000 रुपए इसका मूल, और आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा, न्यूटन इनमें से किस भौतिक राशि की SI इकाई है? Newton is the SI unit of which of these physical quantities? A. Pressure, B. Electric current, C. Mass, या D. Force. विद्युत धारा तो नहीं है। इकाई है दाब, विद्युत धारा, द्रव्यमान या विद्युत धारा, द्रव्यमान या बल। SI, Newton. सर डी लग रहा है मुझे। डी लग रहा है। विद्युत धारा तो नहीं है, द्रव्यमान का, न्यूटन बल। हाँ सर डी बल। डी फोर्स बल। हाँ सर। फाइनल उत्तर? हाँ सर। ताला लगा दें? जी लॉक कीजिए सर। डी फोर्स बल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस यू आर राइट, बहुत गुड, 40000 जीत लिया आपने। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन पे ये रहा, 9वें पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी के एकमात्र लेखक कौन है?
who is the only writer in English to have won the Gyanpith Award? And your options are A. Mulkaraj Anand, B. Amitabh Ghosh, C. R.K. Narayan, or D. Arundhati Roy. Sir, B. Amitabh Ghosh. Sure hai? Yes. Final uttar aapka? Haan, sir. B. Amitabh Ghosh, taala lagaiye. Kapil ji. Yes, you're right. Bahut bahut badhai aapko, bahut mushkil prashn tha. Aur sahi uttar de diya aapne. 11th prashn aapke screen ke upar ye raha. कौन से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने शरद पवार के साथ इस पार्टी की स्थापना की थी? विच फॉर्मर लोकसभा स्पीकर अलॉन्ग विथ शरद पवार हु इज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ऑप्शन सुनिए. ए शिवराज पाटिल, बी पी ए सांगमा, सी सोमनाथ चटर्जी, डी नीलम संजीव रेड्डी. शिवराज पाटिल लग रहा है सर. नीलम संजीव रेड्डी तो राष्ट्रपति थे. सोमनाथ चटर्जी. खेलेगा जरूर आप प्लीज लिस्ट पे हैं. शिवराज पाटिल लग रहा है. पीए संगमा, सोमनाथ चटर्जी, शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस, पीए संगमा भी लग रहा है. अगर आपके मन में संदेह है तो आपके पास लाइफलाइन बची हुई है. लेकिन इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर. आप लीस्ट रिस्क में हैं, कुछ खोइएगा नहीं. लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे. सर अब सी लग रहा है. सोमनाथ चटर्जी. श्योर नहीं है सर. लाइफलाइन लेना. ओके. दो बची हुई आपके पास. 50-50 आज द एक्सपर्ट. आज द एक्सपर्ट. आज द एक्सपर्ट. ओके. कविर महाशय आज द एक्सपर्ट. लाइफलाइन को अंकित किया जाए. और लाइफलाइन अंकित हो गई. और ऋचा जी आपसे अनुरोध है कि आप आए और मदद करें. ऋचा जी कौन से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने शरद पवार से के साथ मिलकर के इस पार्टी का स्थापना की थी? चार ऑप्शंस हैं. मैं जैसे ही पढ़ूंगा 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे और 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा. ए शिवराज पाटिल, बी पी ए सांगमा, सी सोमनाथ चटर्जी और इज इट डी नीलम संजीव रेड्डी. माधुरी जी शरद पवार जी के साथ तारिक अनवर और पीए सांगवा ने एनसीपी मतलब को फाउंडर्स हैं और पीए सांगवा जी 96 से 98 के बीच मेरे ख्याल से लोकसभा स्पीकर रहे. तो बी पीए सांगवा सही जवाब है. ठीक है मैम. थैंक यू मैम. सर बी पीए सांगवा लगा दें. जी सर. आपकी भी नजर वहां जा रही थी. हाँ सर. ऑलराइट. क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष है सर. मुझे लगा वो है लेकिन फिर कंफ्यूज हो गया सर. क्या करें. बी को लॉक कीजिए सर. ऑलराइट. बी पी ए सांगमा ताला लगा जाए. ऋचा जी कह रही है ये सही होगा. बिल्कुल सही. थैंक यू. 11 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है. 6,40,000 रुपए जीत गई हैं. अगला प्रश्न दे सकता है आपको 12,50 और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास. जी सर. बहुत ही होशियारी के साथ खेल रही है आप. आगे भी इसी तरह खेलते रहिएगा. 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए. माधुरी जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान गणेश के टूटे हुए दांत के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार थे? अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मांड पुराण हु अमंग दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉर्ड गणेश's ब्रोकन टस्क. ए विष्णु, बी परशुराम, सी इंद्र
डी ब्रह्मा। ब्रह्मा लग रहा है सच। सुना हुआ है सर, पढ़ा हुआ भी है, लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। घर में भी बहुत बार बातें हुई है इसके ऊपर, बताया गया है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ब्रह्मा लग रहा है सर मुझे। नहीं, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भगवान गणेश के टूटे हुए दांत के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार थे? श्योर नहीं सर। अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है माधुरी जी, इतना केवल हम आपको बता सकते हैं। 50-50 लाइफलाइन, लेकिन अगर आप चाहते हैं खेलना तो हम आपको रोकेंगे नहीं। परशुराम गणेश, क्या करना चाहेंगे माधुरी जी? लाइफलाइन लेना। अंतिम निर्णय कर लिया आपने, लाइफलाइन लेंगे। ओके, आपके पास से एक बची हुई लाइफलाइन है 50-50। जी सर। कमीर महाशय, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और माधुरी, जैसा कि आप जानते हैं, ये चार विकल्पों में से दो जो गलत विकल्प हैं, ये हट जाएंगे। हटा दीजिए कंप्यूटर जी। बचे हैं विष्णु और परशुराम। ब्रह्मा लग रहा था, वही चला गया। इनमें से एक सही है जो आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए, एक गलत है जो आपको नीचे ले जाएगा 3,20 पर, अगर आपने खेला तो। न खेला सर, तो बी परशुराम। बी परशुराम जी सर। श्योर? लग रहा है सर, मैंने पढ़ा है कहीं। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर बी। परशुराम बी, पता लगाइए कंप्यूटर जी। आपने कहा कि आपने पढ़ा हुआ है जी सर, लेकिन काफी देर तक आप जो पढ़ा हुआ था वो आप कह रहे थे ब्रह्मा। याद नहीं आता ना सर, याद नहीं आ रहा था। वो दो जैसे ही गायब हो याद आ गया जी सर। 12,50 जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड।